नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माय सेल्फ डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसीजेस ऑफ आईलिड्स, एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू डिसीजेस, दैट इज हॉर्डियोलम एक्सटर्नम एंड चैलेजियन। सो लेट्स बिगिन। So this is the structure of eyelid. So we are going to focus on the two glands which are responsible for this kind of diseases. So here we can see a gland, a group of glands, and these are called as meibomian glands. Okay. And another set of gland is called as Zeis gland, gland of Zeis. So they are attached to hair follicles, and their function is to secrete an oily substance which will lubricate the eyelashes, and they also cause nourishment of the eyelashes. So the first disease is Hordeolum externum, which is also called as sty. So why it is called as Hordeolum? Actually, if we can see in the diagram, or if we can see in the photograph, the disease or the patient is presenting the symptoms like this. And the lesion looks like a hordeum, which means barley. तो एक धान के दाने के जैसे, बार्ली के दाने के जैसे, एक यहाँ पे बॉइल प्रोड्यूस होता है उसके वजह से, या स्टाई प्रोड्यूस होता है इसके वजह से, इसको हॉर्डियोलम एक्सटर्नम भी कहा जाता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। लोकलाइज सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जी एट लीड मार्जिन एट सिलियरी फॉलिकल इज कॉल्ड एज स्टाई। ओके, तो स्टाई किसको कहते हैं? लोकलाइज सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जीज। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, ग्लैंड ऑफ जी के इन्फ्लामेशन को, उसके सेलुलाइटिस और उसके बाद में एब्सेस फॉर्म होने के प्रोसीजर को ही हम हॉर्डियोलम एक्सटर्नम या फिर स्टाई कहते हैं। Then we are going to discuss about etiology. Usually it is caused by Staphylococcus aureus, and it is infection of hair follicle of eyelash, and it may complicate acne vulgaris in young adults. Histopathology: purulent infection of follicle and its gland with cellulitis of surrounding connective tissue. तो शुरू शुरू में इसमें जो gland of Z है इसके अंदर cellulitis का स्टेज देखा जाएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में वहां पे abscess formation gland के अंदर देख सकते हैं। क्लिनिकल पिक्चर, स्टाई आर फ्रीक्वेंटली रिकरेंट अपेयरिंग इन क्रॉप्स और सिंगल। मोस्टली क्रॉप्स के अंदर भी ये मिल सकते हैं या फिर सिंगल भी हो सकता है। रिकरेंट लेशन इज पर्टिकुलरली सीन इन केसेस ऑफ डेबिलिटी, फोकल इन्फेक्शंस एंड डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट हो या फिर कोई डेबिलिटेड पेशेंट, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस जिनमें है, रिकरेंट डिसीजेस हो रहे हैं, या एचआईवी के पेशेंट है जिनके अंदर इम्यूनिटी कम हो चुकी है, ऐसे पेशेंट के अंदर रिकरेंसी स्टाई की हमको दिखाई दे सकती है। सिम्टम्स, सीवियर पेन विच इज शार्प थ्रॉबिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस और हैवीनेस, एंड फीलिंग ऑफ हीट इन द एरिया ऑफ द लीशन। उसके बाद टेंडरनेस, इंक्रीज इन पेन ऑन टच और स्वेलिंग इन अफेक्टेड एरिया कैन बी सीन। द पेन सबसाइड ऑन एस्केप ऑफ पस। जैसे ही पस निकल जाता है वैसे ही इसमें पेन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। साइंस, सो देर इज अ स्टार्ट यूजुअली विथ इडिमा ऑफ लिड्स। कभी कभी ये इडिमा इतना ज़्यादा होता है कि कंप्लीट आईलिड, जैसे हम इसमें देख सकते हैं, कंप्लीट आईलिड ही स्वेल हो जाती है। येलोइश पस पॉइंट अपियर, धीरे धीरे ये सेलुलाइटिस कन्वर्ट होता है एब्सेस में, और इसके ऊपर एक छोटा सा येलो डॉट, दैट इज येलो पस अपियर्स
yellow pus point appears on the lid margin around the root of a lash at the most prominent part of the swelling. जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं एक येलो पस पॉइंट फॉर्म हो चुका है जिसमें से पस कभी भी बाहर निकल सकता है. स्किन गिव्स वे एंड पस ड्रेन्स विद स्लफिंग. काफी सारे स्लफ यानी डेड टिश्यूज के साथ में और डेब्रीज के साथ में पस के साथ में काफी सारा मटेरियल बाहर निकलने लगता है. स्वेलिंग सबसाइड्स एंड साइकेट्रिक्स फॉर्म यानी स्कार टिश्यू जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू नेबरिंग लैशेस एंड ऑपोजिट लीड मार्जिन एंड कंजंक्टिवल सैक में होकर. अगर ठीक से एंटीबायोटिक या हमने इसके अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं किया है तो ये पस जो होगा ये इन्फेक्टिव मटेरियल होगा और ये दूसरे आई लैशेस को भी अफेक्ट कर सकता है. सब्सिडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन मे लीव एरिया ऑफ इन्वेजन. सो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम हम देख सकते हैं एक धान के दाने के जैसे या बार्ली के दाने के जैसे ये एक लीशन आई लीड के ऊपर प्रोड्यूस होता है. इसके लिए हम इसको हॉर्डियोलम एक्सटर्नम कहते हैं. कॉम्प्लिकेशन सेलुलाइटिस हो सकता है आइदर इसमें या फिर थ्रोम्बोसिस भी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी इसमें हो सकता है प्रोड्यूस. ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट को अगर देखा जाए तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं. एंटी इंफ्लामेटरी एंड पेन किलर दैट इज एनाल्जेसिक्स कैन बी यूज. सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम इसमें दे सकते हैं जैसे कि फीवर या दूसरे सिम्टम अगर साथ में है तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड सिस्टेमिक प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज, जैसे हमने कहा कि अगर इम्यूनिटी को कम करने वाले या फिर डायबिटीज है तो उनका ट्रीटमेंट भी साथ में हमें प्रोवाइड करना होगा. लोकल ट्रीटमेंट में हम हॉट फोमेंटेशन यूज कर सकते हैं या लोकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं. इवैक्यूएशन ऑफ पस व्हेन पस पॉइंट समटाइम्स ईपाइलेशन में भी रिक्वायर्ड यानी आई लैशेस को कभी कभी प्लग करके निकालना जरूरी होता है जिससे कि पस अपने आप ड्रेन हो जाए. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि स्टाई जब भी होता है तो उसमें कभी भी स्क्विज करके उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी रह जाती है और परमानेंट एक उसमें स्कार या मार्क उसमें रह जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं चलेजियन. चलेजियन जैसे हमने कहा था इट इज द इंफ्लामेशन ऑफ और स्लो माइल्ड इंफ्लामेशन और ग्रैनुलेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड. तो ये ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स जो हमको दिख रही है यहाँ पे जो कि ये भी ऑयल ही सिक्रेट करती हैं और ये ड्रेन होता है आई लैशेस के ऊपर. ओके, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड मेबोमियन ग्लैंड, इसके इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं चलेजियन. तो चलेजियन हम इसको क्यों कहते हैं इसको हम आगे जब लीशन को देखेंगे तब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. जब हम फोटोग्राफ्स देखेंगे उस समय हम चलेजियन नेम को डिस्कस करेंगे. सो चलेजियन इज आल्सो कॉल्ड टार्सल सिस्ट और मेबोमियन सिस्ट. सो बेसिकली दिस इज अ सिस्ट फॉर्मेशन. और ये सिस्ट क्यों फॉर्म होती है, बेसिकली दिस इज अ रिटेंशन सिस्ट. इसके अंदर जो सिक्रीशंस है वो जमा हो जाते हैं उसकी वजह से ये एक सैक या सिस्ट के जैसा बन जाता है. सो चलेजियन इज क्रॉनिक इंफ्लामेटरी ग्रैनुलोमा ऑफ मेबोमियन ग्लैंड. इट इज सीन इन अडल्ट मोर ऑफन एज मल्टीपल लीशन ऑकरिंग इन क्रॉप्स. द ग्लैंडुलर टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ जायंट सेल्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स प्लाज्मा सेल्स एंड हिस्टोसाइट्स इंडिकेटिंग रिएक्शन टू क्रॉनिक इरिटेशन. द ओपनिंग ऑफ मेबोमियन ग्लैंड इज ऑक्लूडेड लीडिंग टू रिटेंशन विच एक्ट एज कॉज ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन. तो इस चीज को जो भी हमने नीचे पढ़ा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन और क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ
मेबोमियन ग्लैंड, अगर इन ग्लैंड के अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर होता है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये स्लो ग्रेड इन्फेक्शन है, धीरे धीरे ये फैलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सडन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इसमें नहीं होता, बट इसके अंदर का जो टिश्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं ग्रैनुलोमेटस टिश्यूज के साथ में, और धीरे धीरे ये इसके अंदर से जो डेब्रीज निकलती है वो यहाँ पे आके डक्ट को ब्लॉक कर देती है। जब डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उस समय सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाता और वो ग्रुप ऑफ मेबोमियन ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाती है, धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ने लगती है और ये आईलिड के बाहर भी हमको दिखाई देने लगती है, तो इसको हम चेलेजियन कहते हैं। चेलेजियन का मतलब होता है हेलस्टोन्स। हेलस्टोन का मतलब हम देखते हैं कि बर्फबारी जब होती है तो उसमें से जो बर्फ के गोले आसमान से गिरते हैं तो उनको हम कहते हैं हेलस्टोन्स। तो चेलेजियन का मतलब होता है हेलस्टोन्स, और ये लीशन जो है ये हेलस्टोन के जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको चेलेजियन कहते हैं। सिम्टम्स, हार्ड पेनलेस स्वेलिंग। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, स्टाई में हमने देखा था कि पेनफुल स्वेलिंग थी, बट चेलेजियन इज पेनलेस स्वेलिंग एंड इट इज लिटिल अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, यानी ये एकदम लीड के मार्जिन पे नहीं, ऊपर की तरफ या नीचे अगर लीड में है तो ये मार्जिन से दूर होती है थोड़ा सा। स्वेलिंग इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन साइज विदाउट पेन, स्मॉल चेलेजिया आर बेटर फेल्ट देन सीन, मल्टीपल लीशंस एंड लार्ज चेलेजियन मे बी एसोसिएटेड विद इनएबिलिटी टू ओपन आई फुल्ली। उसके बाद पेनलेस स्वेलिंग 4 to 5 millimeter अवे फ्रॉम लीड मार्जिन, स्वेलिंग इज हार्ड ऑन कंजंक्टिवल साइड, इट अपीयर्स रेड और पर्पल, इन लॉन्ग स्टैंडिंग लेशन इट अपीयर्स ग्रे, इन ओल्ड लेशन ग्रेनुलेशन टिश्यू टर्न इन टू जेली लाइक मास, चेलेजियन में बिकम स्मॉलर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट कंप्लीट रिजोल्यूशन में ऑकर ओनली रेयरली, यानी कंप्लीट इसको रिजोल्यूशन होना काफी डिफिकल्ट होता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म्ड इन द डक्ट एंड प्रोजेक्ट एट द इंटर मार्जिनल स्ट्रिप एज अ रेडिश ग्रे नोड्यूल। जैसे हम देख सकते हैं आंख बंद करने के बाद में यहाँ पे ये लीशन हमको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल मार्जिन के ऊपर नहीं है बट मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में 3 to 4 millimeter ऊपर जाने के बाद में ये लीशन हमको दिखाई देता है। स्मॉल एक बर्फ के गोले के जैसे, हेलस्टोन के जैसे है, इसलिए इसको हम चेलेजियन कहते हैं एंड इट इज पेनलेस स्वेलिंग। ट्रीटमेंट, इंट्रालेशनल इंजेक्शन ऑफ ट्रायमेसिनोलोन एसिटोनाइट मे हेल्प इन रिजोल्यूशन ऑफ चेलेजियन। इंसिजन एंड क्यूरेट ऑफ चेलेजियन इज इंडिकेटेड इन केसेस व्हेन इट कॉजेस डिसफिगरमेंट एंड मैकेनिकल टोसिस ड्यू टू इट्स वेट। वेरी हार्ड चेलेजियन नियर कैंथी मे बी एडिनोमा ऑफ ग्लैंड एंड रिक्वायर एक्सीशन। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमको याद रखना है, ये कभी कभी एडिनोमा या मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, तो इसमें कभी कभी हमको बायोप्सी की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम कंफर्म डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। So that's it from the today's session. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any queries, you can please mention in the comment box and I will try to resolve it. Thank you very much.